राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव के मद्देनजर जहां एक तरफ तमाम पार्टी जनता को लुभाने के लिए जनता से संपर्क कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी भी नगर निगम चुनाव में अपना अस्तित्व ढूंढ रही है। इसी क्रम में आरके पुरम वार्ड के कांग्रेस प्रत्याशी शांति स्वरूप ने घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया और कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्यों को लोगों तक पहुंचाया। कांग्रेस प्रत्याशी शांति स्वरूप ने कहा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, लेकिन दिल्ली की जनता उनके कामों को जान चुकी है। जहां एक तरफ दिल्ली सरकार में काबिज आम आदमी पार्टी दिल्ली को सिर्फ और सिर्फ झूठ की बुनियाद पर टिका कर बैठी हुई है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में पिछले 15 सालों से अपने भ्रष्टाचार और नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने शीला दीक्षित के कामों को याद करते हुए कहा कि शीला दीक्षित ने जिस तरीके से दिल्ली को संवारा था और उनका यह सपना था कि दिल्ली हरी भरी बने, दोनों ही पार्टियों ने दिल्ली का बुरा हाल कर दिया। कांग्रेस प्रत्याशी शांति स्वरूप ने कहा कि अगर वह आरके पुरम वार्ड से जीतकर आते हैं तो आरके पुरम वार्ड की हर समस्या को वह दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे और बीजेपी के पार्षद के द्वारा जिस तरीके से वार्ड का बुरा हाल किया गया है, वह फिर से उसको हरा भरा और साफ सुथरा बनाएंगे। इस वार्ड के अंदर दो प्रकार के हमारे परिवार हैं, एक में सरकारी कर्मचारी हैं, दूसरे में मजदूर हैं जो रेहड़ी पटरी खोमचे से लेकर झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सबको साथ जोड़कर प्रयास किया है कि स्वच्छ वातावरण में वो लोग भी रहें और हम भी रहें। तो हमारा प्रयास है, आज जिस प्रकार की दिल्ली हो गई है, कूड़े की दिल्ली बना दी गई है, उस कूड़े की दिल्ली को हम हटाकर साफ और सुथरी नगर निगम देना चाहते हैं, ऐसा हमारा प्रयास है। जो राजनीतिक पार्टियां, उन्होंने वादे बड़े बड़े किए हैं, निर्दलीय एक समाज से भी चुनाव में आप आरके पुरम वार्ड से खड़े हुए हैं, और बीजेपी की बात करें तो तुलसी जोशी जो प्रत्याशी है पहले पार्षद रह चुकी है, चुनौती किस तरीके से देखते हैं आप? चुनौती कोई है ही नहीं, जनता ने मन बना लिया है, सरकारी कर्मचारी ने बना लिया है, मजदूर ने बना लिया, उनकी एक ही आवाज़ है केवल कांग्रेस। और जो तुलसी जी चुनाव लड़ रही हैं वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं, उनका कार्यकाल यहाँ के 5 साल लोगों ने देखा है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, जनमानस आपको बता देगा उसे किस तरीके से लोगों ने देखा है। 5 साल उन्होंने सोचा नहीं था कि रिपीटेशन ये सीट होगी, तो उनकी तो वैज जनता दे देगी। मैं तो यही कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी अपने दमखम पे चुनाव लड़ रही है और जीतने जा रही है। जिस तरीके से आपने बोला है कि आरके पुरम में सरकारी क्वार्टर क्लस्टर ज़्यादा है, शौचालय की क्लस्टरों के अंदर समस्या देखने को मिली है, जो शौचालय या तो नहीं है या तो साफ, बिल्कुल भी साफ नहीं है, आपके लिए महत्वपूर्ण क्या रहेगा जब आप जीतकर आते हैं तो मुख्य जो कार्य रहेंगे वो किस तरीके से आपके रहेंगे? देखिए, मुख्य दो ही कार्य हैं। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि शौचालयों की व्यवस्था बदतर हो चुकी है, ये काम नगर निगम का था जिसमें अभी तुलसी बैठी हुई थी, आज वो बहुत ही ऐसी स्थिति में है कि आम आदमी वहाँ जाकर खड़ा भी नहीं हो सकता, बदबू में जी रहा है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, नगर निगम में अगर हम लोग आए तो सरकारी कर्मचारी भी इसीलिए तो परेशान होता है यहाँ के मजदूर से। उसकी दूसरी प्रॉब्लम है, आपकी आरके पुरम की एक सड़क है जो मलाई मंदिर से शुरू होती है और आरके पुरम सेक्टर 6 को जाके कवर करती है, उसके अंदर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। उस भीड़ भाड़ के अंदर उन लोगों को जिस प्रकार से अजी माखन जी ने एक सोच बनाई थी कि वाइंडर कमेटी बनाई थी, वाइंडिंग कमेटी का मतलब था जोन था कि इन लोगों को स्थायी रूप से बसा दिया जाए ताकि इन लोगों को भीड़ भाड़ ना हो, क्योंकि ज़रूरत था सरकारी कर्मचारी की भी है, आम नागरिक की भी है, वो वहाँ पे जाकर अपनी फल और सब्जियाँ खरीदता है तो वो दूर कहाँ जाएगा, उनको इजीली मिल जाता है और सस्ता मिलता है। इसलिए हम दोनों के बीच में समन्वय बनाना चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि हम जीतेंगे तो करेंगे। एक आखिरी सवाल है आपसे कि जो कांग्रेस पार्टी ने पोस्टर जारी किया है जिसमें चौधरी रणील सिंह के साथ स्वर्गीय शीला दीक्षित की भी फोटो है और ये नारा दिया गया है कि हाउस टैक्स को लेकर बात कही गई है कि पिछला माफ है और अगला हाफ है, भ्रष्टाचार साफ है, क्या कांग्रेस इस जो नारे पर खड़ी उतर पाएगी? देखिए, आपने जो सवाल किया है उस सवाल के अंदर ही एक सच्चाई दिखाई देती है। अनिल चौधरी जी ने ये बात कही है, मैं 100% जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर बात करना चाहता हूँ। जब से वो अध्यक्ष बने, उन्होंने एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन जनता के दर्द को सामने ना रखा हो, और शीला दीक्षित की तो एक सोच थी, उस सोच कर लेकर आज कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है और दिल्ली की जनता देख रही है कि किस प्रकार से शीला जी ने जो काम किए थे, अजय माकन जी ने जो काम किए थे, आज अनिल तो चौधरी जी जो संघर्ष कर रहे हैं, हम अपने शीर्ष नेतृत्व जो दिल्ली के थे उन्हीं के जो है वायदों पर आज जनता के सामने और जनता हमें चुनने जा रही है।
कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।